और मुंह में भी काटे हैं। मुंह देखा दोस्तों, क्या बोलते हैं चूटा ही, मतलब ये नील गाय को ना कुत्ते ने बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, तो मैं आया हूँ कुत्ते के जो कि भगाया हूँ। कुत्ते जो कि उधर है देख सकते हैं, और भी कुत्ते हैं ना वो उधर साइड में, तो ये बहुत तकलीफ में है। तो इसके लिए जो कि मैं पानी भी लाया हूँ, ये देखिए, ये दोस्तों इसके लिए ना मैं पानी भी लाया हूँ, बट ये पी नहीं रहा। ये ना नर है और दे रहे हैं तो पानी पी नहीं रहा, और चीकू विराट को भी लेकर आए हैं। ऐसे वो मारता उड़ता नहीं है, और भी नील गाय को हम देखे हैं, ये मारता उड़ता नहीं है, पानी दे रहे हैं इसको, लो पी, लेकिन पी नहीं रहा है। अब क्यों नहीं पी रहा है, क्योंकि किसी ने लगा हुआ है, जख्मी है ना, बहुत ज़्यादा जख्मी, और ये बहुत ज़्यादा डॉगी उसे इसे परेशान किया है सुबह से, तो ये थक गया है काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों मेरे पास में जो कि आ गया बेचारा, बहुत ज़्यादा दोस्तों तकलीफ में है बेचारा, क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट तो करा नहीं सकते हैं, रोक रहे हैं तो रुक ही नहीं रहा। हटाओ पानी लेके आए तेरे, हाँ अरे मत जाओ पानी पी लो। अरे यार इसको दिमाग ही काम नहीं कर रहा है जी, गिरा दे रहा है। आ इधर इधर। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कुत्ते से ना, बहुत ज़्यादा ये दोस्तों रोया है, मतलब ये तकलीफ अपनी किसी को बता नहीं सकता है। लेकिन हाँ दोस्तों मैंने देखा ना तो समझा बूझा, और कुत्ते के ना भगा, कुत्तों को ना भगाया हूँ, कुत्ते जो कि भाग गए हैं, और पानी भी लेकर आया हूँ, बट ये पी नहीं रहा है, अब क्या कर सकते हैं। अब कुछ देर तक दोस्तों देखभाल ऐसे ही करेंगे, कुत्ते भाग जाएंगे तो ये सही हो जाएगा, तो उसके बाद छोड़ देंगे इसको। चल गया तो नील गाय है जो कि पानी नहीं पिया है, वो ना मतलब ये मेल है और वो उधर चला गया है, वो कुछ सेफ है, अगर कुत्ते उत्ते परेशान करते तो फिर मैं आऊँगा। तो अभी फिलहाल के दोस्तों पानी ना मैं लाया था इसके लिए, तो इसे गिरा देता हूँ और चलता हूँ अब घर के लिए। चलिए पिया नहीं लेकिन लाए थे दोस्तों, और वो वहाँ पे है, आप लोगों को दिखाता है पे है जो कि घूम रहा है अभी। चलिए अभी दोस्तों चलते हैं, कुछ दिक्कत होंगे ना तो फिर मैं आऊँगा। ये डॉगी ने दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो डॉगी भी भाग गया है। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं, अगर आप लोग भी दोस्तों कोई परेशानी में दिखे, बड़ा सा जीव जानवर छोटा सा जो भी दिखे, कष्ट में दिखे दोस्तों, तो उसे साथ दीजिएगा। तो चलिए जितना हुआ दोस्तों किए हैं, अगर उतते उतते फिर से परेशान कर देना तो उसे भगाने के लिए फिर से मैं आऊँगा, हेल्प करूँगा। ऐसे ट्रीटमेंट मैं करता अगर एनिमल डॉक्टर होता सर, तो ये करवाएगा भी नहीं ना, तो इसी चलते। A few minutes later. दोस्तों मैं घर के लिए ही जा रहा था, तो मैं जैसे ही वहाँ से गया ना, डॉगी फिर से आने लगा उसे परेशान करने के लिए, तो फिर परेशान कर रहा है दोस्तों, तो फिर मैं जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कुत्तों के तो मैं भगा दिया हूँ, लेकिन एक दो कुत्ते हैं ना वो अभी भी उसे परेशान कर रहा है। तो चलिए आप लोग को भी दिखाता हूँ कौन कुत्ता है, और जख्मी दोस्तों कितना है आप लोग को दिखाता हूँ। ये डॉगी दोस्तों फिर से परेशान कर रहा था, ये डॉगी जो भाग रहा है, और वो भाई जो कि भगा रहा है, और नील गाय है जो कि यहाँ पे है। तो चलिए आप लोगों को फिर पास से ले जा करके दोस्तों दिखाता हूँ। सो दोस्तों अभी ना मैं नील गाय के पास में आ चुका हूँ, और इसे ना पैर में काटे हैं कुत्ते, और मुंह में भी काटे हैं, मुंह देखा दोस्तों ब्लड आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दोस्तों तकलीफ में है, ये देखिए बहुत ज़्यादा मुँह में दोस्तों ब्लड आ रहे हैं, और पैर में ये देखिए, पैर में ना इसे बहुत ज़्यादा काटा है, बहुत ज़्यादा दोस्तों जख्मी है, क्या ही बोलूँ, बहुत दर्द कर रहा था। A few minutes later. चिकू के पापा जी अभी चले आए हैं, नील गाय को गए थे पानी पिलाने उस साइड जो खेत तरफ है, भागा जी पानी पिया जी, पानी पानी नहीं पिया लेकिन हाँ उधर कर साइड में कर दिया, कुत्ता बहुत ज्यादा था, कुत्ते ने बहुत ज्यादा नील गाय को परेशान किया है, काटा है पूरा, दुकान जाने के लिए बोल रहा है, दुकान चलोगे, चलो इसे दोस्तों जा करके ना अभी अभी इसे दोस्तों दुकान लेकर के चलते हैं, और चीकू को भी काट लोगे बता, कूट लोगे बिस्कुट, हमको थोड़ा सा अक्की होनी, बिस्कुट को बोलता है कुछ लाना है गुड़िया जी, खाना बना कि नहीं, बना रहे हैं अभी, देखिए किचन रूम में बना रहे हैं, किचन रूम में हवा चल रहे हैं काफी ज्यादा, बहुत हवा चल रहे हैं, और बारिश वाला मौसम है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी दोस्तों बारिश हो सकते हैं, और हवा भी काफी, देखिए कितना तेज हवा है जो कि चल रहे हैं।
तो इन लोग के लेकर जाइए दुकान। दुकान चलोगे? बिस्कुट लोगे? चलिए दोस्तों इन लोगों के लिए बिस्कुट लेते हैं। चार चिकू के लिए जो कि बिस्किट लिए हैं और वो लोग को दोस्तों दिए बिस्किट खा भी लिए हैं। और आप लोगों को दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप लोग दोस्तों जीव जंतु मिले घायल अवस्था में तो दोस्तों सेफ्टी, अपना सेफ्टी रखते हुए उसको बचाने की कोशिश कीजिएगा, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिएगा, हेल्प करने की कोशिश कीजिएगा और अपना सेफ्टी भी रखिएगा। कोई जानवर है जो कि आपको मतलब प्रॉब्लम भी पहुंचा सकते हैं तो उस चीज़ का दोस्तों ध्यान रख करके। और आप लोग को दोस्तों मैं मिलाता हूँ आज अपने जो कि गिलहरी से भी। ये देखिए गिलहरी, और इसका दोस्तों हम लोग नाम रखे हैं गिलहरी जी, ठीक है, इसका दोस्तों नाम रखे हैं गिलहरी जी। और ये भी दोस्तों जा गिर गया विराट, ये भी दोस्तों मतलब बहुत कष्ट में था, इसे दोस्तों चींटियां परेशान कर रहा था, चींटियां परेशान कर रहा था। अगर चींटी से गुड़िया जी नहीं बचाते ना तो उस दिन इसका मतलब मौत हो जाता, आई थिंक मेरे को लग रहा है ना। लेकिन गुड़िया जी बहुत सारा चींटी थे, लाल 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 चूटा उसको बोलते हैं ना, चूटा बोलते हैं, चूटा मतलब चूटा दोस्तों इसे ना बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे थे। आप लोग दोस्तों अभी इसे देख सकते हैं बहुत बड़ा हो चुका है, मतलब छोटा वो में गुड़िया जी लाए थे, ये देखिए उस समय बच्चा ही था, सिर्फ दूध पीता था और अब थोड़ा थोड़ा खाना भी खाता है। देखिए ये देखिए तो ये अब तो ये पूरा चलेगा, दौड़ेगा, ये देखिए। अच्छा दोस्तों इस गिलहरी का हरकत देखेंगे ना तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेंगे, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी करता है चिको। ये देखिए भाग रहा है, भाग रहा, भाग रहा है। और ये भी दोस्तों घायल अवस्था में ही मिला था, इसकी पूंछ से ना मतलब ये पूंछ था जो टूटा हुआ था ना गुड़िया जी, और अभी देखिए पूंछ कैसा है, मतलब सही हो गया पूंछ, ये देखिए इसका पूंछ अब जो कि सही हो गया है। तो दोस्तों इसीलिए आप लोग से गुजारिश मैं करूंगा, बहुत सारे लोग तो कमेंट कर सकते कि तुम हेल्प किया थे इसका वीडियो में, अरे भाई ऐसा बात नहीं है, मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि अगर प्रॉब्लम में दिखे तो सभी चीज़ों को तो आप हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ कोशिश हम लोग को रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हेल्प कर सकते हैं। ये देखिए, और इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था ना तो मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं रोया था, इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था बीच में ना गुड़िया जी, और गुड़िया जी भी रोए थे, चीकू भी रोए थे, मतलब गुड़िया जी मैं और चीकू इसके लिए तीनों लोग रोए थे, बट जो कि ये अब ठीक हो गया है, ये देखिए हाँ उनकी दुआ से ये ठीक हो गया है। और ये अगर बड़ा हो जाता है ना तो मैं छोड़ दूंगा इसे, अगर रहेगा तो घर मेरे साथ में रहेगा तो ठीक है, नहीं तो इसे पेड़ पर ले जा करके छोड़ दूंगा और वहीं पे रहने लगेगा, देखेंगे जैसा रहेगा जैसे, बट हाँ हम लोग का कोशिश है कि ये जीवित रहे। और ये देखिए अभी प्यार से खाएगा, ये खा लिया है शायद ना इसीलिए नहीं खा रहा। तो चलिए मेरी यूट्यूब फैमिली आज के वीडियो ना हम लोग यहीं तक रखेंगे, मौसम दोस्तों आज ना बहुत अच्छे क्यों है तो देखते हैं दोस्तों क्या करते हैं आज गुड़िया जी, मौसम अच्छा क्यों तो कुछ काम काज ही करेंगे। सो दोस्तों आज के वीडियो ना हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आप सभी को अच्छे लगा होंगे, अगर अच्छे लगा होंगे दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मेरी यूट्यूब फैमिली फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। का बाय बाय, ये दोस्तों यहाँ पे खंडा बिगाड़ रहा था, बाय बाय बोल रहा है।